गंगानगर के सूरतगढ़ में तेल व्यापारी से एक बार फिर लॉरेंस गैंग के नाम पर फिरौती मांगी गई है। व्यापारी को एक बार फिर से व्हाट्सएप कॉल कर फिरौती मांगी गई। धमकी देने वाले ने लॉरेंस गैंग की सेवा के नाम पर 2 करोड़ की फिरौती मांगी है। बता दें, तकरीबन 1.5 महीने पहले भी व्यापारी को धमकी भरा कॉल आया था, जिसमें उसने संपत नेहरा गैंग के नाम पर 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी। वहीं कॉल के बाद पीड़ित ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी है। पास करीबन 11 बजे कौन में जो कौन आया, उन्होंने 1 करोड़ की फिरौती मांगी। फिरौती पर उन्होंने कहा फिरौती नहीं दी तो फिर को जान से मार देंगे। उसके बाद कार्रवाई चलती रही। फिर रात को कल 21 तारीख को रात को आया 11:45 में फोन, 2 करोड़ की फिरौती मांगी। फिर वो कह रहे फिरौती देता है ठीक है, नहीं हम तेरे को जान से मारने की धमकी मांगी। तो व्हाट्सएप कॉल कर धमकी दी गई है और रंगदारी की डिमांड लॉरेंस गैंग के नाम पर फिरौती की डिमांड की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार लॉरेंस के नाम पर फिरौती की डिमांड की जाती है, व्यवसायियों को धमकियां मिल रही हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और करेंगे अगली खबर का। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड और फिर बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को टारगेट करने को लेकर कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई चर्चा में बना रहता है। देश के नए डॉन लॉरेंस ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के सामने कबूला है कि उसकी हिट लिस्ट में सिर्फ सलमान खान तो पहले नंबर पर है, साथ ही और भी कई टारगेट्स हैं। साथ ही लॉरेंस ने अपने कबूलनामे में कई और चौंका देने वाले खुलासे किए हैं। तो देश के सबसे बड़े गैंगस्टर का कबूलनामा सामने आया है, जिसमें उसने ये कहा है कि सिर्फ सलमान खान ही नहीं, कई और उसके वांटेड लिस्ट में शामिल हैं।